हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसा थंबनेल बनाना चाहिए अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए। एंड दोस्तों, यदि आप एक नए क्रिएटर हैं, नए यूट्यूबर हैं, दोस्तों यूट्यूब पर अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसका केवल एक ही तरीका है कि आपका जो थंबनेल है, थंबनेल हट करके होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड दोस्तों, अब आप अपने YouTube वीडियोस के लिए अच्छा से अच्छा हटकर और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे कैसे? दोस्तों, बनाना भी तो आना चाहिए ना। दोस्तों, आप कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ करेंगे, क्या चीज़ नहीं करेंगे, आपको मतलब क्या करना है, तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आज कंप्लीट ट्यूटोरियल के थ्रू सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो फ्रेंड्स, आपको अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना सिखाने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बात बताने देता हूँ कि दोस्तों, यदि आपका वीडियो का कंटेंट, यानी कि जो वीडियो में आपने बताया है, तो यदि थंबनेल से रिलेटेड नहीं है, एंड दोस्तों थंबनेल से रिलेटेड तो है लेकिन ज़ोरदार नहीं है, धमाकेदार नहीं, सीधे सीधे कहूँ तो यदि आपका वीडियो मज़ेदार नहीं है, आपका कंटेंट मज़ेदार नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो व्यूअर्स देखे आपका वीडियो तो उसे रुचि आए आपकी वीडियो देखने में, आप कि यदि आपका वीडियो ऐसा है कि व्यूअर्स को बोर करेगा, मतलब कि व्यूअर्स यदि वीडियो पर क्लिक करता है और एक आध मिनट देखता है तो दोस्तों उसका मूड मतलब ख़राब हो जाता है आपके वीडियो को देख करके और वो बैक चला जाता है। दोस्तों, यदि आपका वीडियो भी ऐसा है तो भी आपको अपने ऐसे वीडियो में अच्छा से अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहूँ तो ऐसा वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए। यदि आप वीडियो बनाते हैं तो पूरे मन से बनाइए, वरना बनाइए ही नहीं, क्योंकि दोस्तों यदि आप कंटेंट अच्छा नहीं देते, केवल थंबनेल अच्छा देते हैं, तो दोस्तों आपका केवल थंबनेल जो व्यूअर्स होता है तो आपका फोटो देखेगा वीडियो के ऊपर और दोस्तों वो क्लिक ही नहीं करेगा फिर, चाहे कितना भी अच्छा थंबनेल क्यों ना हो। तो दोस्तों, कोशिश करें कि यदि आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा है तो जिस वीडियो का थंबनेल अच्छा है तो वो वीडियो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जानदार वीडियो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके वीडियो का थंबनेल कैसा होना चाहिए। कि मान चलिए टॉप सर्च पर 10 वीडियो आए हैं और 10 वीडियो में दोस्तों सभी ने अपना अच्छा से अच्छा थंबनेल बनाया है एक ही टॉपिक पर, उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक पर आपने वीडियो अपलोड किया है, ओके। लेकिन दोस्तों, यदि आपका वीडियो का थंबनेल उनके वीडियो से हट करके है, अलग है, एंड दोस्तों हट करके अलग है इसका मतलब ये नहीं कि रद्दी है, मतलब उनके वीडियो के थंबनेल अच्छे हैं तो आपका वीडियो का थंबनेल बिल्कुल खराब। दोस्तों, यदि आपका थंबनेल खराब है, अच्छा नहीं है, तो दोस्तों आपके वीडियो पर कोई क्लिक ही नहीं करेगा, और जब क्लिक नहीं करेगा तो देखेगा क्या। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको थंबनेल कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने वीडियो के थंबनेल कैसे बनाता हूँ, तो सिंपल से तरीका दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो के थंबनेल अपने बनाता हूँ, तो दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं YouTube पर पहले से सर्च करता हूँ वो टॉपिक जिस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है, ओके। एंड दोस्तों, मैंने उसी टॉपिक पर, अब जैसे मैंने अभी ये थंबनेल बनाया हुआ है अपने वीडियो का, तो इस पर दोस्तों मैंने सर्च किया था पहले कि YouTube वीडियोस के लिए अच्छा से अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सर्च किया था और दोस्तों ये टॉपिक सर्च करने के बाद मैंने सभी के वीडियो देखे थे, मतलब कि उनके वीडियोज नहीं देखे थे कि सबके वीडियोज में देखता फिर हूँ, अब नहीं, मैंने सबके वीडियोज नहीं देखे थे, मैंने उनके थंबनेल देखे थे, मैंने सभी के थंबनेल देखे, सभी के थंबनेल को गौर से देखा, चेक आउट किया। अब सबका थंबनेल मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों का थंबनेल अच्छा लगा एंड कुछ लोगों का थंबनेल अच्छा नहीं लगा। अब दोस्तों, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि दोस्तों मुझे क्या करना है, इन सबसे हट कर के थंबनेल बनाना है एंड दोस्तों इन सबसे अच्छा थंबनेल बनाना है, तो दोस्तों मुझे उसके लिए सोचना पड़ेगा, ओके। तो मैं सोचूंगा पहले, फिर सोचने के बाद ये सोचूंगा कि क्या ये मेरा थंबनेल सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, मुझे 2-3 बार अपने थंबनेल को चेक आउट करना है, मतलब कि सबके थंबनेल को एक बार अच्छे से देख लेना है और दोबारा से सर्च करना है अपना थंबनेल बनाने के बाद, और एक बार और सर्च करिए, सर्च करने में पैसा तो लगता नहीं है, तो अपना थंबनेल बनाने के बाद सर्च करिए और फिर मैच करिए कि इनसे मेरा थंबनेल अच्छा है कि नहीं है, इनसे मेरा थंबनेल, मतलब कि इनके थंबनेल से मेरा थंबनेल हटकर है कि नहीं। तो दोस्तों, ऐसे आपको जो है अपने थंबनेल को तैयार करना है दूसरे के थंबनेल को देख करके, ओके। अब ये नहीं कि आपने यूट्यूब पर वीडियो कोई सर्च किया नहीं एंड आपको मतलब कि आपने यूट्यूब पर किसी थंबनेल देखे नहीं, आपने सीधे अपने मन से बनाया थंबनेल और बोल दिया कि मेरा थंबनेल सबसे अच्छा है, दोस्तों ऐसे में आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा।
जब आप दूसरों के थंबनेल देखेंगे उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, तो दोस्तों आपके दिमाग में नए नए सजेस्ट आएंगे, नए नए विचार आएंगे थंबनेल अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। तो मेरी तो यही सजेस्ट है आपके लिए कि दोस्तों यदि आप कोई भी थंबनेल बनाते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उस टॉपिक पर पहले यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए, फिर वहाँ उनके थंबनेल देखिए, और सबसे अच्छा थंबनेल जिसका है तो फ्रेंड्स उससे भी अच्छा थंबनेल आपको बनाने का प्रयास करना है। और आई होप कि मेरी जो ये एडवाइस है आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर।